बिहार में बालू माफियाओं का आतंक देखने को मिला। ताजा मामला छपरा के सोनपुर का है, जहां पर बालू माफियाओं ने खनन इंस्पेक्टर अंजनी कुमार और सैप जवान को जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना उस वक्त हुई जब खनन इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने अवैध बालू से भरे ट्रक को पकड़ा। टीम जांच ही कर रही थी कि तभी बालू माफिया पहुंचे और उनके साथ मारपीट की। हद तो तब हो गई जब माफियाओं ने गाड़ी समेत सभी पर पेट्रोल छिड़क दिया। किसी तरह इंस्पेक्टर और सैप जवान जान बचाने में कामयाब रहे, तो वहीं बालू माफिया ट्रक को लेकर फरार हो गए। खनन इंस्पेक्टर अंजनी कुमार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। राजस्थान के भरतपुर में एक बार फिर फायरिंग की घटना हुई। काली की बगीची के पास बदमाशों ने पूर्व पार्षद समुद्र सिंह के भाई पर धुआंधार फायरिंग कर दी। एक के बाद एक पांच गोली मारी गई, जिसमें लाला पहलवान बुरी तरह से घायल हो गया। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में चारों तरफ नाकाबंदी कर दी और जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, इससे लोगों में डर का माहौल है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से दो गौर तस्कर घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों गौ तस्करों को एक गोवंश को कार में डालकर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने गौ तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गौ तस्कर पकड़े गए, लेकिन पुलिस को देख भागने लगे। पुलिस ने जब रुकने को कहा तो उन्होंने फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों ही पकड़े गए। पुलिस ने इनके पास से दो देसी तमंचे, छह जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना में नौकरी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ। प्रदर्शनकारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट चार साल से पेंडिंग है, इसे जारी करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे ये और आरजेडी के दफ्तर का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें जबरन हटाना शुरू कर दिया, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। महाठगी केस में जेल की सलाखों में कैद सुकेश चंद्रशेखर के सेल में औचक छापेमारी की गई। इस रेड में सुकेश चंद्रशेखर के पास से कई कीमती सामान बरामद किया गया। 1.5 लाख रुपए की चप्पल, 80,000 रुपए की दो जीन्स बरामद की गई। छापेमारी के दौरान सुकेश फूट फूट कर रोने लगा। मंडोली जेल में सीआरपीएफ के साथ जेलर ने यह छापेमारी की। शुक्रवार को 9 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद सुकेश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। नागपुर में एक अगरबत्ती की दुकान का ताला तोड़कर 7 लाख रुपए की चोरी हुई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस चोर को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। मालिक नितिन रात में दुकान बंद करने घर गए थे। रात में अज्ञात आरोपी ने दुकान का ताला तोड़कर ड्रॉर में रखे 7 लाख रुपए चुरा लिए। गुजरात में पेपरली कांड कैसे रुकेगा, इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।